हेलो बेटा, आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में पॉली आयंस पढ़ेंगे। आयंस के बारे में आपको बेटा पता है कि जब कोई एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है, तो क्या बना लेता है, वो आयन बना लेता है, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बना लेता है। और जब कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बना लेता है, वो निगेटिव आयन बन जाता है, यानी उसको बोलते हैं एन आयन। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको बोलते हैं कैट आयन, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एन आयन। अब ये तो हो गया मोनो आयन। अब पॉली आयंस के बारे में आपको समझना है। देखिए, जैसे सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन कितना बेटा, 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8 और 1। ठीक है, अब क्या है, लास्ट सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा Na+1। इसी तरीके से क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7। ये क्या होगा, एक इसको स्टेबल होने के लिए एक इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा Cl-1, यानी कि ये यहां पे ले लेगा, दे देगा। ठीक है, अभी क्या बनेगा, 2, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2, 8, 8। तो ये क्या हो गया, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, कैटायन एनायन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बनेंगे, NaCl। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये बेटा मोनो आयंस है। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है पॉली आयंस। पॉली आयंस देखिए बेटा, पॉली आयंस मींस जैसे कि SO4-2। ठीक है, देखते चलिएगा, CO3-2। ठीक है, NH4+1। ठीक है, इसी तरह से और देखिए, ठीक है, चलिए तीन को इसको समझते हैं कि ये पॉली आयंस कैसे बने। एक और दे लीजिए, CH3COO-। ठीक है, अब बेटा ये जो इस पे साइन लगा है, ये साइन क्या बता रहा है कि ये पॉली एनायन है, ये पॉली एनायन है, ये पॉली कैटायन है, ये पॉली एनायन है, यानी कि इसको कंबाइन होने के लिए +2 चार्ज। ठीक है, जिस पे +2 चार्ज होगा वो एक एलिमेंट चाहिए, या कोई कंपाउंड होगा वो भी चलेगा, लेकिन एक एलिमेंट चाहिए। लेकिन ये बना कैसे, ये बना कैसे, जैसे कि अभी हमने सोडियम को देखा तो उसमें क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2, 8, 1। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, ये आप देखिए, ये आप नोट करिए, फिर वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले SO-2 बेटा, जैसे कि आपको पता है S की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बेटा आप यहां लिखेंगे, देखिए S 16 एटॉमिक नंबर है, इसी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 6। ठीक, देखते चलिएगा बेटा, बहुत गौर से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको अगर आप समझ लेंगे तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आप समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा, आगे आपको रिएक्शंस करने में बहुत आसानी होगी। देखिए 6, यानी कि इसमें आउटर, जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए कैसे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब क्या है, ओ कितने हैं, ओ है फोर, ओ का क्या होता है, फोर ओ है ना, एक यहां पे ले लीजिए, एक को आप यहां लीजिए, एक को यहां लीजिए और एक को यहां लीजिए, ठीक, समझ रहे हैं ना। आप देखिए ओ का क्या है, ओ का एट, ओ का क्या है, ओ का टॉपिक नंबर एट कॉन्फ़िगरेशन टू और सिक्स, आपको पता है प्रीवियस क्लास देखेंगे या पहले से भी अगर आप जानते होंगे तो देखेंगे टू और सिक्स, इसमें भी कितने होंगे सिक्स, ये देखिए, ठीक है। लेविस डॉट सिंबल से आप इसको लगाइए और देखिए यहां पे क्या है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लास्ट सेल में कितने सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए। आप समझिए बेटा, इसको क्या करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है और सल्फर को भी, तीनों ऑक्सीजन को और सल्फर को, सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। अब देखिए ये देखिए, ये इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया और इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। सल्फर किसी से भी दो लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, जैसे कि मान लीजिए उसने किसी से भी ले लिया, इससे ले लिया, लेके इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। लेकिन अब बचा कौन, बचा ये ओ, ठीक है ना। अब ये ओ बचा, इसको भी क्या चाहिए था, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए थे। अभी देखिए ये सल्फर ने क्या किया, मान लीजिए यहां से ले लिया, ठीक है, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, टू इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, टू की। बाकी देखिए सबने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने इधर कर लिया, इसने इधर कर लिया, इसने इधर कर लिया, ये रह गया, ठीक है। तो जो ऑक्टेट इसको भी पूरा करना है तो इसने क्या करा, इसने एन आयन बना लिया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से चाहिए, टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दो माइनस यानी कि उधार लेगा, यानी बाहर से दो उधार लेगा, तो ये क्या पॉलीआयन बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, एस ओ फोर माइनस टू, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से माइनस टू आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रिएक्शन आप समझिए, एक रिएक्शन देखिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन छोटी सी समझिए, जैसे यहां पर लिखा है Zn प्लस H2SO4, ठीक, ये क्या है H2SO4, क्या है एसिड है, कैसे बना ये देखिए, ये क्या है SO4 माइनस टू, इसको कितना चाहिए माइनस टू, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन में प्लस वन होता है, ठीक है, तो हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन ले लिए, एक हाइड्रोजन यहां पर ले लिया, दोनों को इससे जोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो ये क्या बना H2SO4, यानी कि प्लस टू हो गया, ये माइनस टू हो गया, ये कट गया। अरे ना बात समझ में, कैसे बना इसको देखिए पूरे स्ट्रक्चर को। अब ये देखिए रिएक्शन छोड़ी थी, समझ लीजिए गिब्स क्या होगा, Zn H2 को रिप्लेस करेगा, Zn की क्या होती है, जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, प्लस टू, और SO4 माइनस टू, H2 प्लस टू, ये यहां से रिप्लेस होगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यानी कि मेटल का, जब मेटल की रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एक ये आपका एग्जांपल भी हो गया। देखिए इसको बेटा गौर से समझिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़िए। अब आ जाइए CO3 पे, इसमें भी क्या है माइनस टू, सिंपल H C क्या है, C की फोर होती है ना, C यहां पर समझिए, C6 कॉन्फ़िगरेशन टू और फोर, प्रीवियस क्लास देखिए सब समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया अच्छे से। और यहां पर क्या है, फोर है ना वैलेंस सेल में, तो ये देखिए वैलेंस सेल में फोर है
तो ये देखिए दो दो हो क्या, ओ कितने हैं, थ्री ओ, वन टू थ्री, ओ में कितना होता है यानी ऑक्सीजन में कितना होता है, वैलेंस साइड में सिक्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंस साइड में सिक्स इलेक्ट्रॉन, वैलेंस साइड में सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसने इससे ले लिया, पूरा कर लिया, ठीक है, इसने इससे ले लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। अब कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने तो चलो इससे ऐसे ले लिया, मान लीजिए ये मान लेते हैं, इसने क्या किया, ये अपना ऑक्टेट ऐसे पूरा कर लिया, ठीक है, जुड़ा हुआ दिखेगा। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, इसका नहीं पूरा, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी, दो की, क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस टू जब ये ले लेगा तब भी क्या, तब क्या हो जाएगा, ये स्टेबल, ये भी हो जाएगा, ठीक है, अभी कॉन्फिगरेशन पूरी कर लेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसीलिए सी ओ थ्री माइनस, ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। अब देखिए इसको क्या चाहिए, सी ए सी सी ओ थ्री माइनस टू है। अब मान लीजिए यहां पे क्या है, कैल्शियम प्लस टू होता है, तो ये इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आ रही है बात समझ में, इतना समझ में आ गया, पॉलीआयंस कैसे बनता है, कैसे जुड़ता है, और ये आपको याद भी होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए एच एन एच फोर, ये है एन, ठीक, एन का कितना होता है सेवन, एन का कितना होता है क्या एटॉमिक नंबर, एन का एटॉमिक नंबर सेवन टू फाइव, वैलेंस शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं फाइव, तो कैसे होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, चार, वन टू थ्री और फोर, ठीक है, हाइड्रोजन में कितने हैं, वन 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 और ये वन, ठीक। अब क्या है, देखिए इसने क्या किया, ले लिया पूरा कर लिया, इसने क्या किया, पूरा कर लिया, इसने क्या किया, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक ही शेल होता है तो एक शेल है उसको कितने, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें ले लिया। अब नाइट्रोजन को कितना चाहिए था, तीन चाहिए था, लेकिन है कितने, चार इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन तीन ले लेगा, ये देखिए तीन ले लिया उसने। अब उसने क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लोगों ने अपना पहला, पहले शेल में चूंकि दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ले लिया, तो अभी कितना, एक एक्स्ट्रा बच गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, तो ये क्या करेगा, डोनेट करने की स्थिति में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, एन एच फोर पे प्लस वन चार्ज हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में, समझ रहे ना, तो एन एच फोर पे क्या हो जाएगा, प्लस वन चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एन एच प्लस वन, इतनी चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे, आगे अच्छे वीडियोस के लिए।